गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर फोर जो है आपका, ठीक है, साइंस में शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, उसकी रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। जिसमें कल की क्लास में मैंने आपको अपीयरेंस हेडिंग पढ़ाया था, और आज की क्लास में हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस, और पढ़ेंगे सोल्युबल और इनसोल्युबल, ठीक है। तो देखिए आपका चैप्टर फोर है, सच एज सुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड एंड
सॉलिड्स बोला गया है कि यहाँ पे आपको कुछ सैंपल लेना है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस के, जैसे कि आप शुगर ले सकते हैं, साल्ट नमक ले सकते हैं, चौक पाउडर ले सकते हैं, बालू ले सकते हैं और सॉडस्ट ले सकते हैं, धूल ले सकते हैं, ठीक है। टेक फाइव ग्लासेस और बीकर, आपको फाइव ग्लासेस लेना है और या फिर आप फाइव बीकर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब फाइव सब्सटेंस ले रहे हैं तो फाइव ग्लासेस भी लेंगे और फाइव या फिर उसकी ग्लासेस की जगह पे आप बीकर का भी यूज कर सकते हैं। फिल ईच ऑफ देम अबाउट टू थर्ड विथ वाटर, और सारे ग्लासेस को आपको क्या करना है कि टू थर्ड वाटर से फिल कर देना है, ठीक है। टू थर्ड का मतलब होता है कि दो, अगर उसके एक ग्लास के तीन पार्ट करोगे तो दो पार्ट को आपको वाटर से फिल करना है। एड ए स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, और आपको पहले ग्लास में क्या करना है कि एक टी स्पून या छोटा स्पून भर के आपको क्या करना है, शुगर लेना है जो कि फर्स्ट ग्लास में आपको डाल देनी है, ठीक है। पहले वाले ग्लास से आपको शुगर डालना है यानी चीनी डालनी है। साल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस टू द अदर ग्लास, और जो आपका नमक है उसको दूसरे ग्लास में डालना है। इस तरह से जितने भी आपने अपने सब्सटेंस लिए हैं वो अलग अलग ग्लासेस में वन बाय वन करके आपको डाल देना है, ठीक है। यानी कि थर्ड में आपका चौक पाउडर हो जाएगा, फोर्थ में सैंड और फिफ्थ में आपका जो होगा डस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, और इन्हें क्या करना है कि स्पून की सहायता से आपको मिलाना है, वाटर में क्या करना है मिलाना है, स्पून की सहायता से सबको वाटर के साथ उसको मिलाना है, ठीक है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, और आपको कुछ मिनट के लिए वेट करना है या इंतजार करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द सब्सटेंस एडेड टू द वाटर, कह रहे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपकी सब्सटेंस है मतलब कि जो है वो वाटर में क्या एडेड हो गए हैं, यानी वाटर में क्या मिल गए हैं। फिगर 4.4, जैसा फिगर 4.4 में दिखाया गया है, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3, और आपको अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में नोट करना है, ठीक है। जो टेबल आपकी 4.3 दी हुई है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको उस टेबल में आपको नोट करना है। टेबल में बेटा देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साल्ट, शुगर, सैंड, चौक पाउडर, सॉडस्ट, उसके बाद लिखा हुआ है डिसअपीयर इन वाटर डज नॉट अपीयर, यानी कि ये पानी में अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि साल्ट जो होता है वाटर में क्या हो जाता है, पूरी तरह से अपीयर हो जाता है, घुल जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। ये सोल्यूबल है तो इसमें लिखेंगे आपका डिसअपीयर, लेकिन वहीं पे अगर चौक की बात करें तो नहीं घुलता है, तो वहां पे अगर डज नॉट डिसअपीयर, ठीक है। तो ये टेबल आपको फिल करनी है, अपने आप से टेबल फिल करनी है, उसके नीचे कुछ मटेरियल्स और सब्सटेंस और यूज करने हैं, और आगे आपको ये बताना है कि जो ये सब्सटेंस है ये वाटर में घुलते हैं या नहीं घुलते, ठीक है। तो आज की क्लास का आपका होमवर्क है टेबल 4.3 कंप्लीट करना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा इस टेबल को फेयर कॉपी में नहीं करेगा, सबको अपनी रफ कॉपी में या बुक में ही फिल करके इसको देना है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर और डिसॉल्व इन वाटर, कह रहे हैं कि आप क्या नोटिस करोगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो आपके वाटर में पूरी तरह से घुल चुके हैं, ठीक है। डिसॉल्व या डिसअपीयर को मतलब घुलना, पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं, घुल चुके हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। अदर सब्सटेंस डज नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्ट्रिक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कह रहे हैं कि लेकिन जो दूसरी साइड जो कुछ ऐसे आपके सब्सटेंस होंगे जो वाटर में नहीं मिक्स हुए होंगे, ठीक है, उन्हें अगर हम लगातार भी हिलाते रहे फिर भी वो क्या होता है कि वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। दीज सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल बोलते हैं, यानी कि वाटर में अघुलनशील पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, कह रहे कि वाटर का जो भूमिका होती है, पानी जो होता है हमारे लिए बहुत, मतलब हमारे उसका रोल जो होता है कि हमारी बॉडी में या हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, उसके बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वाटर एक ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी चीजें घुल जाती हैं, ठीक है, थीके? एक लार्ज अमाउंट में जो सब्सटेंस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वाटर एक ऐसा बहुत अच्छा, मतलब एक आपका जो है बहुत अच्छा सॉल्युबल, जिसमें क्या होता है कि सॉल्युबल जिसमें बहुत सारी जो आपके बहुत लार्ज अमाउंट में जो चीजें सब्सटेंस होते हैं वो घुलते हैं, ठीक है। डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, और क्या है, क्या लिक्विड भी इसमें डिसॉल्व होता है, ये अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या इसमें जो वाटर होता है इसमें लिक्विड भी डिसॉल्व हो जाता है। देखिए बेटा जो वाटर होता है इससे लिक्विड आपका मिल्क होता है,
मिल्क को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो पता नहीं चलता है, ठीक है, यानी कि वो डिसॉल्व है। बट वहीं पर अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल आपका इसमें डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो जो एक्टिविटी 5 है ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में आपकी दो ही एडिंग, आपकी सिर्फ दो ही एडिंग है, हार्डनेस और सर्वल और इनसर्वल, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आपको टेबल 4.3 कंप्लीट करना है, फिल करना है, ठीक है, और जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ना है, जो ना समझ में आया वो पूछना है, ठीक है क्लास।